Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 14th November 2019. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also collect October 2019 compilation of newspaper analysis in printed magazine form from our Ganeshguri Center. This is address of our Ganeshguri Center. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from an editorial segment and it is about Dr. Indira Goswami and her project named SEARRC. So, dekhte hain ye hai kya? Indira Goswami is a celebrated author from Assam. Bahut hi popular author rahi hain wo Assam se. She was born in 1942 and she died in 2011. And she is popularly known as ममोनी रॉयसम गोस्वामी क्योंकि वो इसी नाम से अपनी सारी बुक्स लिखती थी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी इज दैट सी वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड फ्रॉम असम. तो असम से ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली वो पहले पर्सन रही हैं. और ज्ञानपीठ अवार्ड आपको पता है इट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. और इसको प्रोवाइड करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ. इसके अलावा डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है. ज्यादातर जो उनके बुक्स होते थे जो दे वेर रिटन इन असमीज लैंग्वेज और उनकी बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेट किया गया है इन इंग्लिश. Some of the popular books that have been translated into English are The Moth Eaten Howdah of the Tusker, Pages Stained with Blood and The Man from Chinnasmata. तो ये सारी कुछ important books हैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी जी को जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए. साथ ही साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि in later phase of her life डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट रामायण. उन्होंने एक बुक पढ़ी बाई मधव कांदली एंड दिस बुक इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट बुक ऑन रामायण रिटन इन असमीज. और इस बुक को पढ़ने के बाद डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी बिकेम मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स रामायण. और उन्होंने फिर बहुत सारे एफर्ट्स लिए रामायण को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पॉपुलराइज करने के लिए. और उसमें उन्होंने फिर सी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश SEARRC साउथ ईस्ट एशियन रामायण रिसर्च सेंटर इन गुवाहाटी इन 2008. तो ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स पॉपुलराइजिंग रामायण इन साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो ये है साउथ ईस्ट एशियन रामायण रिसर्च सेंटर जो गुवाहाटी में है. इट वॉज फाउंडेड बाई डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी इन 2008. ये सवाल बहुत बार पहले भी प्रिलिम्स में आ चुका है. सीधा सीधा पूछ लेते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रामायण रिसर्च सेंटर. रामायण को पॉपुलर करने के लिए उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है रावण मिथ्स लीजेंड एंड लोर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस SEARRC भी देखते हैं आखिर इस सेंटर को खोलने के पीछे क्या पर्पस रहा है. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू डू कॉम्पेरेटिव स्टडीज एंड रिसर्च ऑन रामायण. तो रामायण के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं रावण सीता मेघनाथ ऐसे और भी सारे कैरेक्टर हैं अपार्ट फ्रॉम राम एंड लक्ष्मण. उन सारे कैरेक्टर्स की कॉम्पेरेटिव स्टडी करना एक ऑब्जेक्टिव रहा है इस सेंटर को एस्टैब्लिश करने के पीछे. उसके अलावा रामायण के ऊपर रिसर्च करना इज अनदर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग दिस सेंटर. अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर इज टू पॉपुलराइज रामायण इन नॉर्थ ईस्ट. और इस कारण से ये जो सेंटर है SEARRC ये हर साल एटलीस्ट एक किताब तो रामायण के ऊपर जरूर पब्लिश करता है. लेट अस टेक अनदर आर्टिकल. इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट टूरिस्ट मैग्नेट. तो आप सबको पता है कि असम के अंदर रास महोत्सव चल रहा है और रास महोत्सव इज वेरी मच पॉपुलर इन एंटायर असम. बट असम के अंदर भी कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे रास महोत्सव को कुछ खास एक तरीके से मनाया जाता है और वो सेंटर्स हैं मजुली बोरपेटा नलबरी. और इन सारे सेंटर्स पे रास महोत्सव ज़्यादा जोश से इसलिए मनाया जाता है बिकॉज दीज सेंटर्स हैव स्पेशल इन्फ्लुएंस ऑफ नियो वैसोनाइट कल्चर जिसको आप
एकाश्रम नाम धर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इन सारे सेंटर्स पे महापुरुष शंकर देव जी ने खुद ही नियो वेसोनाइट कल्चर को पॉपुलराइज किया है। तो इन सारे लोकेशंस पे नियो वेसोनाइट कल्चर या एकाश्रम नाम धर्म कल्चर बहुत ही पॉपुलर है, और इस कारण से इन सारे लोकेशंस पे रास महोत्सव और भी ज़्यादा जोश से मनाया जाता है। रास महोत्सव मनाने में मेनली दो तरह के एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस की जाती हैं, एक तो रास डांस किया जाता है, उसके अलावा भावना ड्रामा भी प्रैक्टिस किया जाता है। एंड इट इज़ मोस्टली डन इन सतरा। सतरा जो आपको पता है एक मोनेस्ट्रीज होती हैं या एक तरह के टेम्पल होते हैं जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, उसी जगह पे रास डांस या भावना ड्रामा परफॉर्म किया जाता है इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट रास महोत्सव। रास डांस के बारे में ब्रीफली समझ लो, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो रास डांस रिप्रेजेंट्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो रास डांस इज मोस्टली सेंटर्ड अराउंड लॉर्ड कृष्णा और उनके जीवन के अलग अलग स्टेज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है इन रास डांस। इन दिस डांस लॉर्ड कृष्णा इज डिपिक्टेड डांसिंग विथ गोपीज, गोपियों के साथ उनको डांस करते हुए दिखाया जाता है। एंड दिस डांस इज ऑल्सो नोन एज डांस ऑफ डिवाइन लव। अब देखते हैं इस आर्टिकल में और क्या लिखा है। इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो रास महोत्सव है असम के अंदर, इट इज एक्टिंग एज ए टूरिस्ट मैग्नेट। बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया और दुनिया भर से इस रास महोत्सव को देखने के लिए आ रहे हैं, स्पेशली ऑन द मजूली आइलैंड। इस साल असम टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी काफ़ी हार्डवर्क किया है, पॉपुलराइज किया है रास महोत्सव को, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया, ऐसा लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। बट साथ ही साथ ये भी लिखा है कि असम गवर्नमेंट ने प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया है फॉर द टूरिस्ट हु हैव कम टू विटनेस रास महोत्सव, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो प्लेस फॉर अकोमोडेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। तो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो आ तो गए हैं लेकिन अब उनके ठहरने के लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। बहुत सारे छोटे मोटे टेंट्स बनाए गए हैं लेकिन वो टेंट्स भी सफिशियंट नहीं है टू अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ द टूरिस्ट हु हैव कम टू सी रास महोत्सव। और इसी आर्टिकल में फिर ये लिखा गया है कि अगर इस तरह का पुअर अरेंजमेंट रहा तो ओवरऑल असम का इमेज खराब होगा इन द आईज ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, और आगे असम के टूरिज्म इंडस्ट्री को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो असम सरकार को खाली पॉपुलराइज नहीं करना चाहिए इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़, साथ ही साथ प्रॉपर अरेंजमेंट भी करने चाहिए, जब बाहर से टूरिस्ट आए तो उनको प्रॉपर कन्वीनियंस देना चाहिए। सो अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट शुड बी मेड बाई असम गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम पॉपुलराइजिंग द कल्चर ऑफ असम इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म ऑफ असम। टूरिज्म आपको पता है कि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बन सकता है पूरे असम के लिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, ब्लोसम एवरीवेयर कैंपेन। तो इस पूरे ब्लोसम एवरीवेयर कैंपेन का बैकग्राउंड समझते हैं। ये देखो एक छोटा सा प्रोविंस है कोस्टल एरिया में, चाइना का कोस्टल एरिया जो है उस पे एक छोटा सा प्रोविंस है जिसका नाम है हांगकांग। ये हांगकांग एक बहुत ही छोटा प्रोविंस है जो चाइना के कोस्टल एरिया पे है एंड इट इज अटैच्ड विद मेनलैंड चाइना। बट 1997 तक ये जो हांगकांग प्रोविंस है दिस वाज अंडर ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इसको आज़ाद किया इन 1997 एंड आफ्टर दैट इट वाज हैंडेड ओवर टू चाइना। तो 1997 के बाद ब्रिटेन ने इसको आज़ाद कर दिया और चाइना को इसको दे दिया एंड आफ्टर दैट हांगकांग बिकेम अ चाइनीज प्रोविंस। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेनलैंड चाइना पे हम सबको पता है वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब इट डज नॉट फॉलो डेमोक्रेसी, और वहाँ पे बस एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और उस पार्टी के अंदर जो लोग हायर पोस्ट पे पहुँचते हैं उन्हीं को पॉलिटिकल पावर दिया जाता है चाइना के अंदर। उनके यहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ एक पार्टी है, उस पार्टी के अंदर लोग अलग अलग लेवल पे के ऑफिसर्स हैं, जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है उसी को वो लोग प्रेसिडेंट पोस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है एट द टॉप मोस्ट लेवल,
उनके यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है लेकिन खाली लोवेस्ट लेवल पे, जैसे पंचायत होता है ना हमारे यहाँ, वैसे उनके यहाँ पे इलेक्शन होता है एकदम लोवेस्ट लेवल पे। हायर लेवल के जो पोस्ट होते हैं जिनको आप चाइनीज प्रेसिडेंट कहते हैं या चाइनीज प्रीमियर बोलते हैं, उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। उनका जो भी पार्टी के हायर पोस्ट पे होते हैं, हाई वो उनका प्रमोशन हो करके वो लोग प्रेसिडेंट या प्रीमियर का पोस्ट अचीव कर पाते हैं। सो पॉइंट इज कि चाइना डज नॉट फॉलो डेमोक्रेसी, इट हैज कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हांगकांग जब से ब्रिटेन ने इसको छोड़ा है और चाइना का जब से ये पार्ट बनाया, तब से हांगकांग लगातार डिमांड कर रहा है कि इट वांट्स अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अक्सर कुछ कुछ दिनों पे हांगकांग के लोग प्रोटेस्ट करने उतर आते हैं कि दे डोंट वांट कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इट इज इन चाइना, दे वांट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इसी तरह का एक प्रोटेस्ट जो अब हाल फिलहाल में 2019 में स्टार्ट हुआ है, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेस्ट बन के इमर्ज हुआ, और इस प्रोटेस्ट का नाम प्रोटेस्टर्स ने दिया है ब्लॉसम एवरीवेयर कैंपेन। इसमें बहुत सारे नंबर्स में, थाउजेंड थाउजेंड्स के नंबर्स में जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर आए, हांगकांग के लोग, एंड नाउ दे आर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, दे वॉन्ट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन हांगकांग। और इस प्रोटेस्ट कैंपेन का उन्होंने नाम दिया है ब्लॉसम एवरीवेयर कैंपेन। हर जगह से लोग निकल के आएंगे और वो अब डिमांड कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट को कि हांगकांग को पूरी तरह से आजाद कर दिया जाए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो ये आर्टिकल मैंने इसलिए पिकअप किया है क्योंकि अगर आप अपना जीएस पेपर टू का सिलेबस देखेंगे तो उसका एक टॉपिक है इशूज रिलेटेड टू हेल्थ, और इसमें अक्सर वो लोग सवाल पूछ लेते हैं प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कॉम्युनिकेबल एंड नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज। तो डायबिटीज एक नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज है, इस ये किन किन कारणों से होता है उसके बारे में ब्रीफली हम लोग यहीं समझ लेते हैं। सो 14 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे, और इस साल का थीम रखा गया है द फैमिली एंड डायबिटीज। अब देर आर सम डेटाज रिगार्डिंग डायबिटीज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, ये डेटाज को हम लोग यूज कर सकते हैं इन आवर आंसर राइटिंग। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, एवरी 8 सेकेंड समवन डाइज बिकॉज ऑफ डायबिटीज, तो हर 8 सेकेंड पे किसी ना किसी की डेथ होती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। और दुनिया में कम से कम आधे ऐसे डायबिटिक लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज हो रखा है, और डायबिटीज से बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको डायबिटीज है। मीन्स मोर देन 50% ऑफ द डायबिटिक पीपल आर लिविंग इन अनडाइग्नोस्ड मैनर, उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। साथ ही साथ ये भी लिखा है इस डेटा में कि टाइप 2 ऑफ डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल, तो टाइप 2 ऑफ डायबिटीज को आराम से रोका जा सकता है अगर प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया गया तो। अब हम लोग यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज होता क्या है। तो एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं डायबिटीज होता क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये देखो, डायबिटीज को समझाने के लिए फिगर का हेल्प लेते हैं। ये हमारा ब्लड वेसल, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जिससे ब्लड फ्लो करता रहता है। इस ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारा शुगर रहता है, शुगर जिसको आप ग्लूकोज भी कहते हैं, ग्लूकोज या शुगर रहता है हमारे ब्लड वेसल के अंदर, और वो शुगर जो है हमारे बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और बॉडी के सेल जब शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड से तो इस कारण से सेल्स को एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो ये ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड बह रहा है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज डिजॉल्व्ड है, और ये ब्लड ग्लूकोज को धीरे धीरे हमारे बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी। अब प्रॉब्लम क्या होती है डायबिटिक लोगों को कि उनके अंदर उनके ब्लड वेसल्स में जो शुगर है वो डिजॉल्व हो ही नहीं पाता है बॉडी सेल्स में, उनके बॉडी सेल्स ये शुगर्स को ले ही नहीं पाते हैं। और इस कारण से होता क्या है कि ब्लड वेसल के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और बॉडी सेल्स को शुगर मिल नहीं रहा है, तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो इस कारण से जिन लोगों को भी डायबिटीज होता है वो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, और उनके ब्लड के अंदर चूंकि शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, इस कारण से उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का भी प्रॉब्लम होता रहता है। तो ये है मोर और लेस डायबिटीज पेशेंट्स का कंडीशन, क्या होता है उनके ब्लड वेसल्स के अंदर शुगर का कंसेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो शुगर ब्लड बॉडी सेल्स में इजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अब और एक चीज समझते हैं, क्यों ब्लड
शुगर बॉडी सेल्स में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक एक तरह का हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन, और ये इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज में बनता है, हमारे बॉडी के पैंक्रियाज में इंसुलिन बनते हैं, और ये इंसुलिन जो होता है हमारे ब्लड वेसल में, जैसे यहाँ ग्रीन और ब्लू कलर से दिखाया गया इंसुलिन को, ये इंसुलिन हेल्प करता है ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको एब्जॉर्ब होने में विद द बॉडी सेल। लेकिन अगर किसी कारण से ये इंसुलिन हमारे ब्लड वेसल में ना हो, या तो फिर किसी कारण से ये इंसुलिन हो तो लेकिन इफेक्टिवली काम ना कर पा रहा हो, तो वैसे लोगों को डायबिटीज हो जाता है। सो माइंड इट, यहाँ पे हमारा पैंक्रिया है वो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है, और वो इंसुलिन हेल्प करता है ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब होने में इन द बॉडी सेल, और किसी कारण से अगर ये इंसुलिन काम ना करे तो हमें डायबिटीज हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज देखो दो तरीके के होते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन डायबिटीज वो हैं जिसके अंदर, वैसे लोग जिनके ब्लड वेसल्स के अंदर इंसुलिन है ही नहीं, होता ही नहीं है, वैसे लोगों को हम कहते हैं कि उनको टाइप वन टाइप का डायबिटीज हुआ है, जिसके अंदर इंसुलिन इज नॉट प्रेजेंट। और इस तरह का टाइप वन डायबिटीज मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण होता है, आपके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया, डीएनए लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस कारण से टाइप वन डायबिटीज होता है। इट इज मोस्टली बाय बर्थ, आपको जन्म से, बहुत सारे लोगों को जिनको टाइप वन डायबिटीज है उनको जन्म से ही होता है, उनका जीन ही इस तरह का है, डीएनए इस तरह का है कि उनका पैंक्रियाज कभी इंसुलिन प्रोड्यूस करता ही नहीं है, और इस कारण से उनको डायबिटीज होता है। इस तरह के डायबिटीज को हम लोग कहते हैं टाइप वन, एंड दिस इज नॉट प्रिवेंटेबल। इसको, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको टाइप वन डायबिटीज है तो बस है, यू कांट प्रिवेंट इट, इसमें आपका ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन जो दूसरा टाइप का डायबिटीज है जिसको आप कहते हैं टाइप टू डायबिटीज, इसमें होता क्या है कि आपकी पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस तो करती हैं, लेकिन आपके इंसुलिन इंसुलिन इतने कमजोर हो गए हैं, इतने इनइफेक्टिव हो गए हैं कि वो अब ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करा पा रहे हैं इन द बॉडी सेल्स, वो फोर्स नहीं कर पा रहे हैं ब्लड शुगर को बॉडी सेल्स में इंटर करने से। और ये मेनली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल। आजकल का जो लाइफस्टाइल है जिसमें ज्यादातर लोग जंक फूड लेते रहते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, इस कारण से ये टाइप टू डायबिटीज हो जाता है, जिसमें जो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन हो तो रहा है लेकिन वो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है, जिस कारण से ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करा पा रहा है। और ये जो टाइप टू डायबिटीज है ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है इफ वी मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जो भी हमारे फोकस एरिया हैं वो टाइप टू पे हैं, टाइप वन के लिए कुछ खास किया नहीं जा सकता, इट्स ए जेनेटिक प्रॉब्लम। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। तो कल ही हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल देखा था, उसका बैकग्राउंड हमने समझा था। 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें उसने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस, मतलब द हाईएस्ट ऑफिस, जुडिशियल ऑफिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस अब आरटीआई एक्ट के अंदर आएगा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन को के अगेंस्ट चैलेंज किया गया था इन सुप्रीम कोर्ट, एंड इट वॉज चैलेंज बाई सुप्रीम कोर्ट जनरल सेक्रेटरी। तो 2010 में इसको चैलेंज किया गया था, एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड इट्स जजमेंट रिगार्डिंग आरटीआई एक्ट ऑन ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट नो वन इज अबव द लॉस, कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो। तो इस कारण से आरटीआई एक्ट जो एक कानून है वो सबसे ऊपर है, एंड इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल। मतलब कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जिन जिन बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं या किस तरीके से काम कर रहे हैं वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको बताना होगा, अगर कोई आरटीआई फाइल करके वो जानना चाहे तो। लेकिन इस जजमेंट में एक और बात हमें ध्यान रखना है, इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। इस चीज को समझते हैं, तो इस चीज को मैं इस फिगर के हेल्प से आपको समझाता हूं। मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, अ वुमेन रीचेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड कंप्लेंस रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट बाय समवन, ठीक है, ये इस तरह का केस ये फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस में ये चाहती है, ये रिक्वेस्ट करती है कोर्ट को कि इसकी आइडेंटिटी पब्लिकली डिस्क्लोज ना किया जाए, इसकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस ले लिया, अब आप आरटीआई फाइल कर दो
कि नहीं नहीं मुझे तो जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसका केस लिया है, कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है, मुझे इनका नाम जानना है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट आपको डिनाई कर देगा। ये है मतलब बैलेंस बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। आप नॉर्मल टाइम्स में राइट टू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रॉम द अबाउट द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जहां पे भी किसी इंडिविजुअल का प्राइवेसी का सवाल होगा वहां पे सुप्रीम कोर्ट आपको डिनाई कर सकता है रिगार्डिंग राइट टू इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। आप सबको पता है राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, वाइल राइट टू इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ लीगल राइट, और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स नेम ऑफ हेड्स ऑफ कनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने संजीव चड्ढा, एलवी प्रभाकर एंड अतनु कुमार दास का नाम प्रपोज किया है फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, कनरा बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिवली। तो इन तीनों लोगों को अब इन तीनों बैंक्स का CMD बनाया जाएगा। ये नाम बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। ये आर्टिकल मैंने इसलिए कवर किया है बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड सवाल अक्सर आ जाते हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो को 2016 में इस्टाब्लिश किया गया था और ये इट इज अ 6-member ऑटोनोमस बॉडी। मतलब इसको भले इस भारत सरकार ने बनाया है लेकिन उस इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, मतलब इट इज नॉट गाइडेड बाय द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फ्री तरीके से काम करता है। इसका एक चेयरमैन है और इसके 6 members हैं, और इसका मेन काम क्या है वो देखते हैं। इट रिकमेंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CMD ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जितने भी हमारे पब्लिक बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, उनका जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव है जिसको आप CMD बोलते हैं, उस पोस्ट को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उस पोस्ट पे किसको अपॉइंट करना है वो रिकमेंडेशन ये बॉडी देती है बैंक बोर्ड ब्यूरो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर लोगों को अपॉइंट करता है। जैसे इस केस में बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इन तीनों लोगों का नाम प्रपोज किया है, रिकमेंड किया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे इन तीनों लोगों को CMD पोस्ट पे अपॉइंट कर देगी इन दिस 3 banks। करेंटली प्रताप भानु शर्मा इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो से अक्सर इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो UPSC 2019 प्रीलिम्स में भी एक सवाल इससे रिलेटेड आ गया था। एक बार सीधा सीधा देख लेते हैं क्या आया था। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाई, ऑप्शंस ये थे बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न बैंक। आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम लोकल सेगमेंट, उद्योग श्रेष्ठ अवार्ड 2019। तो असम सरकार के अंदर जो एक डिपार्टमेंट है, असम एंड इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट, इट विल गिव उद्योग श्रेष्ठ अवार्ड 2019 टू एंटरप्रेनर्स। तो जो नए नए बिजनेसेस हैं, जो नए नए कॉमर्शियल सेंटर्स हैं, उन लोगों को ये अवार्ड देगी असम गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट द बिजनेस एक्टिविटीज इन असम। तो नए नए बिजनेसमैन को जब ये अवार्ड दिया जाएगा तो उम्मीद की जाएगी कि इससे उनको और इनकरेजमेंट मिलेगा, बिजनेस एक्टिविटीज को और प्रमोशन मिलेगा असम के अंदर। ये जो अवार्ड होगा ये अलग अलग फील्ड्स में दिया जाएगा। सो लेट अस सी द कैटेगरीज ऑफ द अवार्ड। एक कैटेगरी होगा माइक्रो लेवल के एंटरप्रेनर का, मतलब सबसे छोटे लेवल के जो बिजनेसेस होंगे उनको। फिर दूसरा होगा स्मॉल लेवल के एंटरप्रेनर का। फिर तीसरा होगा मीडियम लेवल के एंटरप्रेनर का। चौथा वुमेन एंटरप्रेनर को, मतलब वुमेन बिजनेसमैन को अवार्ड दिया जाएगा, बेस्ट वुमेन एंटरप्रेनर ऑफ असम। उसके अलावा एंटरप्रेनर विथ इनोवेटिव आइडिया, किसी ने कुछ नया इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट किया है अपने बिजनेस में, तो उसको भी उसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है अंडर उद्योग श्रेष्ठ अवार्ड। ये नाम ब्रीफली याद रखो, हो सकता है आपसे प्रिलिम्स में पूछ ले। आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। अगर आपसे कभी सवाल पूछ ले, गिव द स्टेप्स टेकन बाय द असम गवर्नमेंट टू प्रमोट MSME सेक्टर। MSME आपको पता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इन सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए असम सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, या सवाल पूछ ले, गिव द स्टेप्स टेकन बाय द असम गवर्नमेंट टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस तरह के जब भी सवाल पूछे तो आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। उद्योग श्रेष्ठ अवार्ड इज गिवन बाई असम
industries and commerce department in order to encourage business activities in Assam, especially MSME sector. Let us cover some prelims related facts that came in the newspaper. Paul Beng is considered to be the father of genetic engineering. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is initiated to build better supply chain for fishing industries. Davos in Desert is the name of investment initiatives taken by Saudi Arabia government. UNFCCC Conference of Parties number 25 will be held in Madrid, Spain from 2nd to 13 December. And this year, the India-ASEAN Summit, East Asia Summit and Summit of RCEP has been conducted in joint manner. IIT Delhi has set up Space Technology Cell in collaboration with ISRO. This is from our side today. Thank you.